दोस्तों ये तो हुई पूरे जितने भी हड़प्पा सभ्यता है वहाँ के प्रमुख स्थल, और इनको आपको अच्छे से याद रखना है। अब कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, यहाँ पे मैं आपको एक एक स्थलों के बारे में पूरे वहाँ पर जाके सफर करा के दिखाऊंगा, ठीक है, ये सब ब्लैक बोर्ड के माध्यम से। तो मैंने आगे के डिस्कशन को अलग अलग चरणों में बांट के तैयार किया हुआ है ताकि आप लोग उसके अंदर डिटेल्स उसको समझ पाए, ठीक है। तो देखते हैं इसके प्रमुख विशेषताएं या प्रमुख चरण। तो मैंने अलग अलग चरणों में उसको डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम लोग पूरी हड़प्पा सभ्यता में देखेंगे कि इसका भौतिक स्वरूप क्या है। उसके भौतिक स्वरूप की हम पहले जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वहां के लोग कैसे थे, इस पूरे हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे, आखिरकार वो इस हड़प्पा सिंधु नदी के तट पे आए कहां से, दिखने में वो लोग कैसे थे, ठीक है, पहनते क्या थे, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। उसके बाद अपन चलेंगे उनके नगरीय सभ्यता की। अब जान रहे दोस्तों कि हड़प्पा की जो मुख्य जो सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता थी, कोई ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में स्वच्छता मिशन का आयोजन किया हुआ है, तो क्या है कि सबके घर में शौचालय होने की आवश्यकता है, ठीक है, और इस पे फोर्स किया जा रहा है कि सबके घर में शौचालय हो, ठीक है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वैदिक सभ्यता के पहले, सबसे पहले चरण में जो हड़प्पा की सभ्यता थी, हर घर में एक शौचालय था। तो ये हमें इन इन सब इतिहास, इस हड़प्पा सभ्यता से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है कि जब इतने पुराने लोग घर में शौचालय का निर्माण कर सकते तो हम क्यों नहीं, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, तो ग्रामीण लोग नहीं रहते थे। यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय कृषि के साथ साथ व्यापार भी था, ठीक है। नगरीय सभ्यता के बाद हम लोग जाएंगे सामाजिक व्यवस्था की ओर, सामाजिक व्यवस्था की ओर हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। उसके बाद आर्थिक व्यवस्था, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसमें मुख्य वो लोग धन कैसे अर्जित करते थे, किसका उपयोग करते थे आदान प्रदान के लिए, वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए। आर्थिक सभ्यता के बाद हम लोग चलते हैं कला और संस्कृति की तरफ। कला और संस्कृति, कला और संस्कृति, इसके बाद लास्ट में उसका विनाश। तो अगर आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी चाहिए स्पष्ट रूप से डिटेल से, तो आप ध्यान पूर्वक अलग अलग चरणों को जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ध्यान से सुने, और उसको हो सके तो नोट्स भी तैयार कर लें। उसका भौतिक सभ्यता, वहां के लोग कैसे थे, कैसी नगरीय सभ्यता थी, समाज में कैसे उन लोगों की व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था में लोग क्या करते थे, कला संस्कृति उन लोग कैसी थी, विनाश, ये सब तो आजकल भी हमारे यहाँ कॉमन दिखाई पड़ते हैं। आजकल भी भारत में ये अगर भारत की जानकारी या फिर किसी भी देश की आपको जानकारी चाहिए रहती है, किसी भी स्थान की अगर आपको जानकारी चाहिए रहती है, तो ऐसे ही चरणों में कॉमन बांटा रहता है उसको। तो शुरू करते हैं भौतिक सभ्यता से। भौतिक सभ्यता के पहले आप लोगों को यहाँ का जो एक सार बता देना चाहूंगा, आपको याद रखना है कि कौन से नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, क्योंकि एग्जाम में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है और कौन से शहर में क्या क्या पाए जाते हैं, वो तो अभी मैं इसके थ्रू बता दूंगा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूंगा कि कौन से नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। एक बार फिर से इसको रिपीट करने की भी कोशिश कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं भौतिक स्वरूप में, अगर सुतको गेंडोर से लेके दाइमाबाद इस टाइप से, और अगर ऐसे मिला दिया जाए इसको मांडा के साथ, ये तो इसी में आता है। तो दोस्तों ये जो पूरी सभ्यता है वह एक त्रिभुज के समान दिखाई देती है। देखिए ध्यान से, ये सुतको गेंडोर, दाइमाबाद
और मांडा, इन तीनों जगहों के बीच में ही पूरी सभ्यता पनप रही है सिंधु नदी के बीच में। और इसीलिए एग्जाम में एक कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था। तो सिंधु सभ्यता का आकार आप देख रहे हैं, ये त्रिभुजाकार था, त्रिभुज के समान। और जितनी भी सभ्यताएं इसके अंदर है, कोई भी जो शहर, जितने भी जगह पाए गए हैं इस हड़प्पा सभ्यता के अंदर में, वो इस त्रिभुज के बीच में ही पाए गए हैं। और एक बार फिर से आपको बता देना चाहूंगा कि अभी तक हड़प्पा सभ्यता के अंदर में 3% क्षेत्र की खुदाई हुई है, 97% का क्षेत्र जो है अभी से खुदाई होना बाकी है। तो इस जितने भी हम लोगों ने ये जानकारी प्राप्त की है वो इस 3% क्षेत्र के अंदर में प्राप्त की है। तो चलिए देखते हैं कि कौन से शहर के किनारे कौन सी नदी है, ये भौतिक स्वरूप से पता चल जाती है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारा जो सबसे मुख्य शहर है वो है हड़प्पा। ये जो हड़प्पा शहर बसा हुआ है यहाँ है, आपको दूसरी बारी बात तो बता रहा हूं कि ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। और भी डिटेल में अगर हम जाएं तो हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के मोंटगोमेरी जिले में, मोंटगोमेरी जिला है, सिंध प्रांत के अंदर पाया जाता है हड़प्पा रावी नदी के किनारे। इसको शॉर्टकट में अगर आप जानना चाहें तो हरे रंग से जानिए, इस हरा हड़प्पा रावी नदी, हड़प्पा रावी नदी से आप जान सकते हैं, हरे से आप जान सकते हैं कि हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसे हुए है। आगे चलते हैं दोस्तों, उसका चलते हैं मोहनजोदड़ो। यहां देख सकते हैं आप, ये सिंधु नदी यहां से बहती हुई नीचे अरब सागर में रही है, और यहां सबसे पहला जो स्थल हमको मिला है वो है सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो। और यह सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है, सिंधु नदी जो कि सबसे बड़ी नदी है, और इसी नदी के किनारे बसने के कारण ये मोहनजोदड़ो की सभ्यता जो है सबसे अधिक विकसित सभ्यता है। चाहे आप पाकिस्तान की बात करें या आप इंडिया की बात करें, अब तक के जितने भी शहर पाए गए हैं सिंधु सभ्यता में, उसमें सबसे एडवांस सभ्यता मोहनजोदड़ो में ही है। उसके बाद मोहनजोदड़ो के बाद अगर आप जस्ट नीचे जाएंगे चमुदड़ो, यह भी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। और सिंधु नदी के किनारे बसा, इसका मतलब है सिंध प्रांत में ही स्थित है मोहनजोदड़ो, चमुदड़ो और कोट दीजी। ये तीनों जो नगर है वो सिंधु नदी के किनारे बसे हुए हैं। एक और जगह है बालाकोट, ये सिंधु नदी के किनारे माना जाता है, लेकिन ये इसका जो मेन लोकेशन है थोड़ा इधर है, सिंधु नदी के जस्ट किनारे में है। तो इसको सिंधु नदी के अंदर भी बुलाया जा सकता है, बाहर भी बुलाया जा सकता है, लेकिन इसको सिंधु नदी के अंदर में माना नहीं जाता है। ये जगह है बालाकोट। तो मेन मोहनजोदड़ो, चमुदड़ो और कोट दीघी, ये सिंधु नदी के किनारे बसे हुए हैं बालाकोट। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे सुधको गैंडो, ये मकरान जिला है, जैसा मैं बता चुका हूं आपको मकरान, और यहाँ पे दास्क नदी बहती है। दास्क सुधको गैंडो, आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि सुधको गैंडो जो है यह घोड़े की अस्थि के कारण फेमस है। इस सभ्यता में घोड़े के अवशेष अगर कहीं पाए गए हैं तो यहाँ पे पाए गए, सुधको गैंडो में पाए जाते हैं। क्यों यहाँ घोड़े के अवशेष पाए, इससे हम लोग एक नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि यहाँ से बहुत सारे व्यापार किया करते थे सिंधुवासी, और यहाँ से मेसोपोटामिया, चाइना, इधर से चाइना, मेसोपोटामिया, अलग अलग जगहों पर यहाँ एक मुख्य बंदरगाह है, तो घोड़ों के माध्यम से शायद लोग व्यापार करते होंगे, इसी के कारण यहाँ पर घोड़े के अवशेष पाए गए हैं। बाकी जगह पे कहीं भी घोड़े के अवशेष हम लोग को पाए नहीं गए हैं। तो अगर इस जगह की बात की जाए तो उन लोगों के लिए घोड़ा कोई बड़ा चीज नहीं था,
लेकिन बाकी अगर नगरों की बात की जाए तो उन्होंने कई कई जगहों पे घोड़े पाए नहीं गए हैं, शायद उन्होंने घोड़ा देखा नहीं होगा या फिर यहाँ घोड़े रहते ही नहीं होंगे। मुख्यतः यहाँ घोड़ा का एक अवशेष पाया गया है, घोड़े के अस्थि यहाँ पे, और ये याद रखिए जगह है सुतको गेंडो। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि घोड़े की अस्थियां कहाँ पाई गई हैं, सुतको गेंडो पर पाई गई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे चलते हैं। ये तो होगी पाकिस्तान की बात है, भारत की ओर आते हैं तो मांडा, एक बार फिर से बताते हो, मांडा सबसे उत्तरी सीमा पर स्थित है, चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में है। नीचे आते हैं तो सतलज नदी के किनारे रोपड़ बसा हुआ है, रोपड़ पंजाब, सतलज नदी किनारे आलमगीरपुर, जो कि यहाँ पे आपको याद रखना है आलमगीरपुर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आलमगीरपुर जो है वो मेरठ में मिलता है और ये हिंडन नदी के किनारे, हिंडन एक नदी है, बहुत ही छोटी सी नदी है जो उत्तर प्रदेश में बहती है, और हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर पाया गया है। ये भी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत माना जाता है और सबसे पूर्वी सीमा पर आता है। सबसे नीचे अगर जाएंगे हम दाइमाबाद, दाइमाबाद, ये दाइमाबाद, ये जो जगह है, ये जो जगह है ये बहुत फेमस इसलिए है क्योंकि यहां से हम लोग को यातायात के बारे में पता चलता है कि ये सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह गाय या बैलगाड़ी का यूज किया करते थे, गाय या बैलगाड़ी का यूज किया करते थे, क्योंकि यहां पे तांबे की बनी हुई, तांबे की बनी हुई एक बैलगाड़ी इसमें चार चक्के और छह चक्के का यूज किया गया है यहां से प्राप्त हुई है, इसलिए दाइमाबाद बहुत फेमस है। इस जगह का याद रखिए। गुजरात की बात की जाए, गुजरात में धौलावीरा और लोथल, ये भोगवा नदी के किनारे बसते हुए हैं, भोगवा नदी याद रखिए। याद करने के लिए आप इसका भी यूज कर सकते हैं, भूलेगी, भूलेगी एक कॉमन वर्ड है, भू से आप याद रखिए भोगवा, ला से लोथल और घी से गुजरा, इन सब चीजों से आप याद रख सकते हैं भूलेगी से कि लोथल, और लोथल के जस्ट बगल में धौलावीरा है, धौलावीरा, और ये दोनों जो है वह भोगवा नदी के किनारे बसे हुए हैं। उसके जस्ट नीचे जाएंगे तो रंगपुर है, रंगपुर कोई बड़ी जगह नहीं है, बहुत छोटी सी, यहाँ पे हम लोग को कच्ची ईटे पाई गई है यहाँ पे रंगपुर, और रंगपुर जो है मादर नदी के किनारे, रंगपुर मादर नदी के किनारे गुजरात में बसा हुआ है रंगपुर। आगे चलते हैं दोस्तों, राजस्थान चलते हैं। राजस्थान में ये जो जगह है हनुमानगढ़ तहसील कालीबंगन, कालीबंगन का जो शाब्दिक अर्थ है वो काली चूड़ियां, काली चूड़ियों को ही काली बंगन कहते हैं। ये काली बंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ में है और गग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है, गग्गर नदी यहां से। अगर आपको कालीबंगन के बारे में अगर याद करना है अगर, तो आप रामायण काल का आप अशोक वाटिका वाला सीन याद कर सकते हैं, जब अशोक वाटिका में रावण ने सीता माता का हरण किया हुआ था, तो अशोक वाटिका में सीता माता रहा करती थी, और भगवान श्री राम जो थे उन्होंने हनुमान को भेजा हुआ था एक अंगूठी पहुंचाने के लिए, तो जब हनुमान वहां गए थे तो उनको सीता माता कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, तो चूड़ियों के खनखन से उन्हें पता चला कि सीता माता उस जंगल के अंदर में, उस छोटी सी वाटिका जहां बहुत सारे पेड़ थे उसके अंदर में दिखाई दी, चूड़ियों के खनखन की आवाज से हनुमान जी को पता चला कि सीता माता है,
उस समय सीता माता वहां पे एक मटके में पानी भरने का काम कर रही थी। तो इस सीन को आप याद रखिए, और इस सीन के थ्रू मैं बताता हूं कि आपको एक कालीबंगन हनुमानगढ़ और घग्गर को कैसे याद करना है। कालीबंगन काली चूड़िया जिसे खन खन की आवाज सुन के हनुमान जी को पता चला कि सीता माता यहाँ है। सीता माता वहां पे घड़े से पानी भर रही थी। गग्घर इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है घड़ा, घड़ा गग्घर को ही बोला जाता है। और हनुमान जी, तो हनुमान जी से आप हनुमानगढ़ याद कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, कालीबंगन को याद करने के लिए आप इस दृश्य को अपने दिमाग में बिठा दीजिए दोस्तों। उसके बाद ये तो सारे स्थल हो गए। इन सारे स्थलों के अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे स्थल हैं, परंतु एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो स्थल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं अलग अलग चरणों के हिसाब से। मैंने आपको भौतिक स्वरूप भी दिखाया कि कहां से लेके कहां तक फैला हुआ है यह। सुतको गैंडोर से लेके आलमगीर उत्तर प्रदेश से, और मांडा से लेके दाइमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर तक फैला हुआ है। और इसकी जो पूरी आकृति है वह एक त्रिभुज के समान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भौतिकी के अंतर्गत। आप इस स्वरूप का, इसके बारे में मैंने आपको जो बताया उसको बस आपको याद रखना है कि कहां से कहां तक इसका विस्तार है, और साथ ही साथ इसकी आकृति कैसा है। साथ ही साथ आप ये भी याद रखिए डेट कि कब इसका काल निर्धारण किया जाता है, और उस समय कौन कौन से अलग अलग सभ्यताएं जो है यहां विकसित की गई थी। भौतिकी के बाद अब देखते हैं लोग। चलो दोस्तों देखते हैं कि लोग आजकल हम लोग जैसे जिस टाइप से कपड़े पहना करते हैं, जिस टाइप से बातचीत किया करते थे, उस जमाने में भी उस समय जो है बहुत सारे लोग थे। अब एग्जैक्ट आंकड़ा तो हम बता नहीं सकते कि कितने लोग थे वहां पे, क्योंकि वहां क्या किसी के अवशेष पाए नहीं गए हैं। अचानक से ये जो पूरी सभ्यताएं थी वो अचानक से लुप्त हो गई थी कुछ कारणवश। बहुत सारे उसके कारण मैं आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा कि क्या कारण थे कि सिंधु सभ्यता के लोग वहां से चले गए थे। तो यहाँ के जो लोग थे, यहाँ बहुत सारे लोग रहते थे, जैसे आजकल की शहरी सभ्यताएं थी वैसी ही वो सभ्यताएं थी। तो लोगों के बारे में जानने के लिए कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ, आपको यहाँ के निवासी या लोगों के बारे में। लोगों के अंतर्गत सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ कि यह एक शहरी सभ्यता थी। इसका अर्थ यह है कि यहाँ के जो लोग रहते थे वो शहरी थे, ग्रामीण नहीं थे। लेकिन ऐसा आप नहीं कह सकते वो ग्रामीण नहीं थे, वो ग्रामीण और शहर दोनों का मिला जुला रूप था। इसलिए हम इसको बोलते हैं नगरीय सभ्यता। यह नगरीय सभ्यता थी, यहाँ गांव के लोग और शहरों के लोग दोनों के कॉम्बिनेशन रहा करते थे। गांव के लोग अर्थात गांव के लोग जैसे खेती किया करते हैं, तो यहाँ पे खेती भी की जाती थी। और शहर के लोग, शहर में तो खेती होती नहीं, तो शहर में क्या है व्यापार का मुख्य साधन व्यापारी होता है। तो यहाँ ये दोनों क्रियाएं साथ साथ होती थी, खेती भी होती थी व्यापार भी होते थे। इसलिए यह एक नगरीय सभ्यता कहलाती है। नगरीय सभ्यता खेती और व्यापार। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ के लोग आखिर आए कहां से थे। क्वेश्चन हमेशा से हमारे मन में उठता है कि ये लोग आए कहां से, क्या यहीं से उत्पन्न हो गए? नहीं, ये लोग कहीं ना कहीं से तो आए हुए थे। तो यहाँ जो है बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग शोध किए हैं, और उन्होंने बताया है कि यहाँ मुख्यतः चार प्रकार की मनुष्यों की प्रजातियां पाई गई है। क्लास 11th के नोट्स में आपको इस बारे में अच्छे से जानकारी मिलेगी। तो देखते हैं कि कौन कौन से प्रजातियां यहाँ पाई गई है। सबसे जो पहली प्रजाति यहाँ पे पाई गई है वो है भूमध्य सागरी। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये भूमध्य सागरी है। यहां पाए जाने वाले ज्यादातर निवासियों में सबसे ज्यादा और सबसे प्रमुख भूमध्य सागरी है, वो सबसे ज्यादा पाए गए यहाँ। इसके अलावा और भी तीन प्रजातियां जो यहाँ पाई गई है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई, प्रोटो ऑस्ट्रेलिया। ये प्रजाति
घुमते सागरीय के बाद किचन से क्या जाता पाइए। तीसरी, यहाँ पे मंगोलिया भी पाए गए हैं जो मंगोल के लोग थे, मंगोल की भी यहाँ पे जाती पाई गई, इसको मंगोलियाड भी बोला जाता है, मंगोलियाड। चौथा जो होता है यहाँ अल्पाइन, एक और प्रजाति है अल्पाइन। दोस्तों आपको सिर्फ इस चार प्रजातियों को ही याद रखना है, बाकी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, लेकिन आपको ये मेन यही प्रजातियां याद करनी है। मैं यहाँ पे आपको जो चीजें बता रहा हूँ वो मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ आपको, ये सब बातें जो सबूतों के माध्यम से बता रहा हूँ। और आप भी याद रखिए, जो भी बातें आपको याद करनी है वो सबूतों के माध्यम से ही आपको याद रखनी है। यहाँ जो जो भी चीजें प्राप्त हुई हैं वो हमारे सबूत हैं, और उसके आधार पर ही यह जो है पूरा जो है अध्ययन किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ मुख्यतः चार प्रकार की प्रजातियाँ इंसानों की पाई गई हैं, भूमध्य सागरीय प्रजाति, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति, मंगोलिया और अल्पाइन। इसके अलावा कोई भी प्रजाति नहीं पाई गई है। तो एग्जाम में अगर आपको पूछा जाए कि कौन कौन सी प्रजातियाँ पाई गई हैं, तो अगर इन चारों के अलावा कोई अगर हो दूसरा तो उसको बिल्कुल भी टिक न लगाइए, ओके। सिर्फ इन चार में से ही अपना ऑप्शन चुनें। अब चलते हैं, ये तो पता चल गया कि ये लोग आए कहां से थे, अब देखते हैं कि ये लोग पहनते क्या थे। अभी हाल ही में ऋतिक रोशन की मूवी आई हुई है मोहनजोदड़ो, उसमें अच्छे से बताया गया है कि ये लोग किस तरह से कपड़े पहना करते थे। कपड़ों में ये लोग ज्यादातर जो है ऊनी कपड़े, सूती कपड़े का प्रयोग किया करते थे, और इन लोगों में मुख्य रूप से कपास, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कपास की जो मेन खेती जो है जैसे शुरू हुई है वह सिंधु सभ्यता से ही प्रारंभ हुई है। सिंधु सभ्यता में कपास, इसको बताया गया कपास, इसी को अगर देखा जाए तो ग्रीक देशवासी, उनके अगर सभ्यताओं में इसी कपास को सिंडर नहीं कहा जाता है, ये क्वेश्चन एक बार आईएएस में पूछा जा चुका है दोस्तों। सिंडर याद रखिए, सिंडर भी बोला जाता है इस कपास को, सिंडर भी बोला जाता है। तो उन्हीं सूती कपास इसी वस्त्रों का वो लोग यूज किया करते थे। आगे चलते हैं, ये तो हो गई उनके लोगों की बातें, कहां से आए हुए थे, कैसे थे, इस प्रकार के बातें आगे और भी लोगों में देखते हैं। उसके बाद आते हैं नगरी सभ्यता की ओर, टॉपिक पे चलते हैं। तीसरा नगरीय सभ्यता, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं यह सभ्यता एक नगरी सभ्यता थी। अब नगरी सभ्यता में देखते हैं कि ये लोग घर कैसे बनाते थे, आखिरकार मोहनजोदड़ो हड़प्पा जैसे अलग अलग जगहों में कैसे कैसे वो लोग घर बनाते थे, भवन कैसे कैसे बनाते थे, उसकी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इन लोगों के घर जो है बहुत ही साफ सुथरा हुआ करते थे, और ज्यादातर सबसे फेमस जो है सड़कों के कारण, सड़कें जो हैं वह एक दूसरे को संपूर्ण पे काटती थी इस टाइप से दोस्तों। इसकी संरचना जो है एक ग्रिड टाइप से है, आप इस टाइप से अगर बोला जाए सड़कें इस टाइप से नहीं हुआ करती थी, सड़कें कभी भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी, सड़कें हमेशा सीधी हुआ करती थी। और इस पद्धति को हम लोग आज के जमाने में कहते हैं ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति। तो इन लोगों की जो मुख्य सड़कें जो बनी है वो ग्रिड पद्धति के माध्यम से ही बनी है। भवन निर्माण, भवन निर्माण के लिए ये लोग जो है ईंटों का प्रयोग किया करते थे, ईंटों में दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया करते थे, कच्ची और पक्की। ज्यादातर जगहों पे पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, सिर्फ दो ही ऐसे जगह हैं जहां पे हम लोगों को कच्ची ईंटों का प्रयोग देखने को मिला है। पहली जगह है वो है कालीबंगन, और जो दूसरी जगह जहां पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया वो है गुजरात के रंगपुर में। और इन दोनों जगहों के अलावा कहीं भी कच्ची मिट्टी के अवशेष हम लोग को नहीं पाए गए हैं। याद रखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कच्ची मिट्टी का प्रयोग कहां कहां देखने को मिलता है, तो सिर्फ कालीबंगन और रंगपुर में ही, और बाकी सारी जगहों पर हम लोग को पक्की ईंटों का प्रयोग ही देखने को मिलता है। और कौन कौन से विशेषताएं थी इनके नगरों में, तो नगरों में
इन्होंने पूरे नगर को दो हवों बांटा है। अगर मैं मोहनजोदड़ो की बात करूँ या हड़प्पा की भी बात करूँ या किसी भी अन्य नगर की भी बात करूँ अगर, तो पूरा नगर दो भागों में विभक्त था। इसमें पहला भाग था उसको बोलते हैं दुर्ग, दुर्ग या फिर उच्च भूमि। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट था वो है निम्न भूमि। उच्च भूमि और निम्न भूमि में भक्त, ये उच्च भूमि में जो है ऊंचे लोग रहा करते थे यहाँ पे, और निम्न भूमि में सामान्यतः कृषक परिवार के लोग जो है मजदूर जो वो सब निम्न भूमि में जो है निवास किया करते थे, और जो राजशाही जो परिवार था वो लोग यहाँ पे रहा करते थे। एक बात आपको यहाँ पे ध्यान देनी होगी दोस्तों कि यहाँ पे कोई राजा नहीं था, राजा यहाँ पे नहीं थे। हाँ वो लोग अपना एक मुखिया जरूर चुनते थे लेकिन वो राजा नहीं था, क्योंकि उसका पद जो है वंशानुगत नहीं था। मुखिया जिसको जो है एक कॉमन तरीके से चुना जाता था सभी की सहमति से, और ये जो है एक विद्वान हुआ करता था। तो इस प्रकार पूरे नगरी सभ्यता में जो है दो भागों में विभक्त था, उच्च भूमि और निम्न भूमि में। और ये लोग जो है बहुत सारी चीजें जो है वो सामूहिक किया करते थे। सामूहिक कहने का मतलब है कि एक साथ पूजा करना, ठीक है, बहुत सारे उत्सवों का आयोजन करना, ये सभी बहुत सारे चीज वो लोग एक साथ किया करते थे। और जैसे एक साथ वो लोग पूजा किया करते थे तो उसके लिए एक स्नानागार बनाया गया था, एक बहुत ही बड़ा स्नान कुंड बनाया गया था। और इस स्नान कुंड का यूज मुख्यतः वो नहाने के लिए करते थे सामूहिक रूप से, ठीक है। ये जो स्नानागार पाया गया है वो मुख्यतः हमें मोहनजोदड़ो से पाया गया है, मोहनजोदड़ो में ही हम लोग स्नानागार पाया गया है। और यह अब तक की सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाने वाली सभी इमारतों में सबसे बड़ी है और सबसे अच्छे कंडीशन में है। ये तो हो गई दोस्तों नगरी सभ्यता की बातें। अब नगरी सभ्यता के बाद आगे चलते हैं कि देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में समाज कैसे बना था। आजकल हम जानते हैं कि समाज अलग अलग भागों में विभक्त है। अगर मैं सामाजिक व्यवस्था की बात करूं, हमारे पास अभी बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। उस समय में न हिंदू मुस्लिम इस टाइप से कुछ नहीं हुआ करते थे। समाज जो है उस समय चार भागों में विभक्त था। इसमें जो सबसे पहला जो भाग था उसमें विद्वान लोग हुआ करते थे। विद्वान क्या मुखिया, विद्वान जो है वो मुखिया हो, बहुत सारे विद्वान हुआ करते, उसमें से जो मूल जो विद्वान उसको मुखिया बनाया जाता था सामूहिक रूप से। इसके बाद एक दूसरा जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है पुरोहित। इसकी भी जो है अपने समाज में बहुत ही अच्छी जगह थी। पुरोहित ये पंडित हुआ करते थे, पूजा पाठ सब इन्हीं की जिम्मेदारी के अंतर्गत आते थे। विद्वान, पुरोहित, योद्धा, सैनिक, उस जमाने में सैनिक भी थे। सैनिकों का जो मूल जो काम था वो अपने समाज की रक्षा करना, अपने क्षेत्र की रक्षा करना था। और चौथा जो है वो श्रमिक वर्ग। इस समाज में सारे काम जो है श्रमिकों से कराए जाते थे। जितने उत्पादन के जो साधन थे वो श्रमिक ही उत्पादित करते थे। और इस प्रकार हमारा जो समाज था वो भी चार जो है भागों में विभक्त था, विद्वान, पुरोहित, योद्धा और श्रमिक। अब देखते हैं सामाजिक व्यवस्था के बाद, अब चलते हैं हम लोग आर्थिक व्यवस्था की। इनकी अर्थव्यवस्था तो कुछ थी नहीं। हाँ, आर्थिक व्यवस्था में इन लोगों का जो मुख्य व्यापार था वह था व्यापार। कृषि भी क्या करते थे वो लोग, लेकिन मुख्य रूप से इनकी जो आमदनी, इनकी निर्भरता मुख्य रूप से व्यापार पर निर्भर थी। और व्यापार में वो बहुत सारे वस्तुओं का यूज किया करते थे। उस समय कोई सिक्के का प्रचलन था नहीं, तो वस्तु विनिमय के माध्यम से ही वो लोग
एक दूसरे से वस्तुओं को आदान प्रदान करते थे। वस्तु विनिमय ही एक माध्यम था जिसके थ्रू वह एक दूसरे से सामान का आदान प्रदान करके खरीदारी किया करते थे। कोई सिक्के नहीं थे उस समय में। वस्तु विनिमय व्यापार के लिए, आपको बता दूं, व्यापार के लिए मुख्य रूप से वो बंदरगाहों का यूज किया करते थे। बंदरगाह इस समय में, यहां पे आप देख सकते हैं चार बंदरगाह हैं। एक है लोथल, एक बंदरगाह था सबसे मुख्य बंदरगाह, एक है बालाकोट और एक है सुत्कोगेंडोर। ठीक है, तो ये जो तीनों जगह थे, बालाकोट, सुत्कोगेंडोर और ये लोथल, ये व्यापार के प्रमुख केंद्र थे और यहीं से जो है वो दूसरे सभ्यताओं को वस्तुएं जो है भेजी जाती थी और वहां से आयात की जाती थी। एग्जाम्पल के तौर पे एक ऊपर में एक बदखा जगह है, बदखा, इस बदखा के जगह से लाजवर्त का आदान जो है आयात किया जाता था। लाजवर्त आखिर है क्या, देखते हैं। लाजवर्त जो है वह जैसे आज के जमाने में अपन सीमेंट बनाते हैं, वैसे एक लाजवर्त भी एक पदार्थ है जिसका उपयोग जो है भवन निर्माण के लिए किया जाता था उस समय। लाजवर्त जो कि बदखा जो है, जो कि प्राचीन एक हिंदू प्रांत है, वहां से जो है वो आयात किया करते थे लाजवर्त का।